राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता की। आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को भगवान राम के नाम पर वोट मांगना है और राजनीति करना है। उन्होंने कहा कि बहुत से साधु संत इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा, साथ ही हमारा मुद्दा देश के विकास और प्रगति का रहेगा। इसी क्रम में बीजेपी से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के अयोध्या जाने की बात पर कहा कि सद्बुद्धि जब आए तब अच्छा होता है, उनको इस बात को समझना चाहिए। साथ ही 22 जनवरी को भगवान 500 वर्षों के बाद अपने घर आ रहे हैं, उस दिन दीपावली होगी, घर घर दीप जलेंगे। रायपुर से संवाददाता भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हम लोगों ने तय नहीं किया है। आप अगर देखेंगे पिछले हमारी 5 साल की सरकार ने चंदकुरी माता कौशल्या की मंदिर जीर्णोद्धार बनाने का काम हमारी सरकार ने की, यहां से लेकर सुकमा का रामाराम मंदिर तक का जीर्णोद्धार का काम बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। मतलब बहुत से ऐसे राम वन गमन पथ के माध्यम से बहुत से स्थलों को, चाहे पर्यटन स्थल के रूप में हो, भारत में 150 साल पुराने कानूनों के माध्यम से, वो कानून जो ब्रिटिश संसद में पास हुए थे उसी से पूरा भारत के प्रक्रियाएं गवर्न हो रही थी। उसमें आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उन तीनों के समानांतर भारतीय आत्मा को ध्यान में रख करके और भारतीय सदन में प्रस्ताव पारित करके कानून केंद्रीय स्तर पर बने हैं। वो कानून लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी उसमें हो चुका है। उस कानून की पूरी जानकारी सबके साथ हो, विभाग में भी हो, और उसकी पूरी एक कार्ययोजना बना करके, विभाग में प्रशिक्षण भी उसका होना पड़ेगा, उसके संदर्भित इतने आधुनिक तरीके से तरीकों को रख करके उन कानूनों को बनाया गया है कि बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए बहुत सारा काम करने की आवश्यकता होगी। उन पूरी कार्ययोजना को बना करके विभाग ने आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष